किसी भी ताल में दुगुन की लयकारी किस प्रकार से लिखी जाती है आज हम इसे सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर झप ताल का विवरण दिया हुआ है और इसके अनुसार इस मात्रा में इस ताल में 10 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग, जिनमें पहले और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं और दूसरे और चौथे विभाग में 3-3 मात्राएं होती हैं। इस ताल के पहली, तीसरी और आठवीं मात्रा पर ताली और छठी मात्रा पर खाली होती है। अब दुगुन की लयकारी इसमें किस प्रकार से लिखी जाएगी? सबसे पहले हम यह समझेंगे कि दुगुन की लयकारी होती क्या है। दुगुन की लयकारी अर्थात एक मात्रा में 2 स्वर या बोल जब गाए या बजाए जाते हैं या बोले जाते हैं तो उसे दुगुन की लयकारी कही जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तो बोलने वाला हो गया, लेकिन इसे लिखा कैसे जाएगा? तो लिखने के लिए नियम यह है कि लिखते समय लयकारी के प्रत्येक मात्रा में 2 बोल होने चाहिए। अर्थात छप ताल में अगर 10 मात्राएं हैं और प्रत्येक मात्रा में अगर 2 बोल अगर लिखे जाएंगे तो कुल 20 बोलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसमें कि झप ताल की जो 10 मात्राओं की जो बोल है उसे हम 2 बार यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसे 2-2 मात्राओं में बांध देंगे। तो इसे हम देखते हैं किस प्रकार करेंगे। इसके बोल हैं धीना धी धीना तीना धी धीना। इसे हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बोल को धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना एक बार लिखा गया है और अब इसे पुनः एक बार और लिखेंगे धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। और ये हम देख रहे हैं कि पूरे बोलों को 2 बार लिख दिया गया है। अब दूसरी प्रक्रिया इसको बांधने की होती है और बांधने का काम हम इसके अंतिम भाग से करेंगे, क्योंकि यह दुगुन की लयकारी लिखनी है और ताल के पूरे बोलों को यानी 10 मात्राओं के बोलों को 2 बार लिखा गया है और अब इसे 2-2 मात्राओं में हम बांधना शुरू करेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम अंतिम 2 बोलों को पहले एक साथ बांधा, फिर उसके बाद के 2 बोलों को एक साथ बांधा और इसी प्रकार से यही प्रक्रिया हम निरंतर करते चलेंगे आगे। अर्थात 2-2 मात्राओं के 2-2 बोलों को एक एक मात्रा में हम बांधते जाएंगे। और ये सभी मात्राओं को 2-2 बोलों के साथ बांध दिया गया है। और अगर हम अब इसको गिने कितनी मात्राएं हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 मात्राएं पूरी हो गई हमारी। अब इसमें देखेंगे कि ताल में विभाग किस प्रकार से बांटा गया है। तो इसके विभाग में हम देखेंगे कि पहले और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं और दूसरे और चौथे विभाग में 3-3 मात्राएं, अर्थात चारों विभाग में क्रमशः 2-3, 2-3 के अनुपात में मात्राएं विभाजित की हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें
जो दुगुण क्रियाकारी हमने लिखी है इसके विभागों को भी उसी प्रकार से हम यहाँ पे बांधेंगे। तो यहाँ पर बांधने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले दो मात्राएं, फिर तीन मात्राएं, फिर पुनः दो मात्राएं और अंतिम में हमारे पास तीन मात्राएं बच रही हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि पूरी दुगुण लिखी हुई 10 मात्राएं हमारे पास दो तीन के अनुपात में विभागों में बट गई हैं। और अब इसकी ताली खाली ध्यान से देखें हम, तो पहले दूसरे और चौथे विभाग में ताली है, तो क्रमशः ताली हम लिखेंगे, ताली दूसरे विभाग में दूसरी ताली, तीसरे विभाग में खाली अर्थात शून्य का निशान और चौथे विभाग में तीसरी ताली है। तो ये इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये पूरा झप ताल में दुगुन की लयकारी लिखी गई है।